अब केशवानंद भारती केस के बाद में नेक्स्ट अगला याद रखना, अब 42वां संविधान संशोधन 1976 अब ये करती है आपके पार्लियामेंट, और इसमें आपकी संसद कहती है कि अगर पार्लियामेंट ने फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट किया है तो इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, ये प्रोविजन लाया जाता है इमरजेंसी में। ठीक, तो अब इमरजेंसी में तो चल गया है, ठीक है, यानी कि लोगों की स्वतंत्रता को हनन किया, जेल में भेज दिया गया इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, अब जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता इसका। ठीक, क्यों? क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो अब यहाँ आपके इस प्रोविजन के अगेंस्ट फिर कोर्ट में आज का दायर है, और अब आएगा मिनर्वा मिल केस 1980। ठीक है, और मिनर्वा मिल केस में कहा गया अगर जुडिशियल रिव्यू हटा दिया गया अमेंडमेंट से, तो पार्लियामेंट कुछ भी ला सकती है प्रोविजन, लोगों के सारे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकती है। तो आपके मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट कहेगी की जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट में आपके पार्लियामेंट संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, इसका मतलब अगर पार्ट और बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट में आपके पार्लियामेंट संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, इसका मतलब अगर पार्लियामेंट ने फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट किया है तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, और जुडिशियल रिव्यू की बात अगर आपके कोर्ट को लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या लेजिटिमेसी को एक प्रूफ नहीं करता, इलीगल है, इललीजिटिमेट है, रिव्यू हो सकता है, और जुडिशियल रिव्यू की बात अगर आपके कोर्ट को लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या लेजिटिमेसी को ये प्रूफ नहीं करता, इलीगल है, इलीजिटिमेट है, तो कोर्ट उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। तो प्रेजेंट में आपके क्या है, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट कर सकती है, कर सकती है, एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर, और अगर पार्लियामेंट ने फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट किया है तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, और जुडिशियल रिव्यू में अगर ये प्रूफ होता है कि आपके जो पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट किया है वो कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के अकॉर्डिंग सही नहीं है, फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन करता है, तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रोविजन को नोट कर लो। प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का आपके अधिकार। अब संपत्ति के अधिकार की अगर हम आपके बात करें तो आर्टिकल 19(1) स्मॉल एफ, स्मॉल एफ का मतलब ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, आर्टिकल 19(1) स्मॉल एफ कहता है कि प्रत्येक पर्सन को संपत्ति यानी वेल्थ को अर्न करने, मतलब पैसा कमाने, पैसा को खर्च करने और उसे रिजर्व या प्रोटेक्ट करने का राइट होगा। यानी प्रत्येक व्यक्ति चाहे तो पैसा कमाए, पैसा को आपके क्या करे, खर्च करे, उसका पैसा है, और उसको चाहे तो उसे जोड़ के रखे, ये राइट होगा। ठीक है, अब आर्टिकल 31 स्मॉल 1 आपके ये कहता है कि नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू लॉ, मतलब सरकार किसी के पैसे को छुड़ा नहीं सकती, किसी को किसी की संपत्ति से आपके डिप्राइव नहीं कर सकती, अगर करना है तो ऐसा तभी करेगी जब ऐसा कानून में कहा गया कि क्या करे, खर्च करे, उसका पैसा है और उसको चाहे तो उसे जोड़ के रखे, ये राइट होगा। ठीक है, अब आर्टिकल 31 स्मॉल 1 आपके ये कहता है कि नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू लॉ, मतलब सरकार किसी के पैसे को छुड़ा नहीं सकती, किसी को किसी की संपत्ति से आपके डिप्राइव नहीं कर सकती, अगर करना है तो ऐसा तभी करेगी जब ऐसा कानून में कहा गया हो, बिना कानून के ऐसा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, अब आर्टिकल 31(2) अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपके सरकार चाहे तो किसी पब्लिक पर्पज यानी सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या कर सकती है, लोगों की संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। ठीक है, और अगर सरकार ने लोगों की संपत्ति का अधिग्रहण किया है तो सरकार के द्वारा उस व्यक्ति को सफिशियंट कंपेंसेशन दिया जाएगा। ठीक, यानी कि सरकार को अगर सड़क बनानी है तो स्वाभाविक सी बात है जमीन चाहिए, तो जमीन कई किसानों की होगी। ठीक, तो सरकार उस जमीन का क्या कर सकती है, अधिग्रहण, क्यों, तो स्वाभाविक सी बात है जमीन चाहिए, तो जमीन कई किसानों की होगी। ठीक, तो सरकार उस जमीन का क्या कर सकती है, अधिग्रहण, क्यों, क्योंकि पब्लिक पर्पज को पूरा करना है। सरकार को मान लो आपकी कोई रेलवे लाइन बिछानी है तो क्या चाहिए, जमीन चाहिए, तो सरकार उस जमीन का क्या कर सकती है, अधिग्रहण। ठीक, क्यों, क्योंकि पब्लिक पर्पज पूरा करना है। तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों की जमीनें ली जाएंगी उन लोगों को क्या दिया जाएगा, पर्याप्त मुआवजा या कंपेंसेशन।